नदीम अहमद, अब एहसास हुआ बाप और बेटी के रिश्ते का। इस दफा तुम लोगों ने बहुत ज्यादती कर दी। ये रिश्ता बहुत नाजुक होता है बेटा, बाप और बेटी का रिश्ता। बेटी की तकलीफ पर सबसे ज्यादा बाप ही दुखी होता है। उसका बस नहीं चलता कि सारी जहां की खुशियां लाकर अपनी बेटी के कदमों में ढेर कर दे। देख लो, जैसे तुम्हारी बेटी की मोहब्बत तुम्हें यहां खींच लाई, वैसे ही दुआ मेरी बेटी है। मेरे जिगर का टुकड़ा, तुम लोगों ने जाने अनजाने में मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती कर दी। मुझे दुख है इस बात का अंकल। दुआ को तलाक नहीं देना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इसका वक्त गुजर चुका है। मैं जितना भी अरसा आपके साथ रही हूं, सिवाय तकलीफ के आपने मुझे कुछ नहीं दिया। इतने जुल्म किए आपने मुझ पे कि मैं बता नहीं सकती, और आखिर में तो आपने हद ही कर दी। मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया। मैंने तो इल्जाम नहीं लगाया था ना दुआ। इल्जाम नहीं लगाया लेकिन मान तो लिया ना। सिर्फ इतना सा भरोसा था आपका मुझ पर कि किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया ना दी। खैर अब इन सब बातों का वक्त नहीं है। अगर आप अपनी बेटी से मिल चुके हैं तो अब यहां से चले जाएं। नदीम अहमद को अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर अब वो पछता रहा है। मुझे अब इस बात की परवाह नहीं है। मैंने जो फैसला कर लिया मैं इस पर कायम रहूंगी। हाँ, नदीम पर एक एहसान कर सकती हूँ मैं कि मैं उनसे खुद खुला ना रहूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी बहनें जीते और नदीम हार जाए। मतलब ये कि अबू नदीम अभी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। अगर ऐसा ना होता तो वो खुद यहाँ ना आते, उनका वकील यहाँ आता। तो तुम क्या सोचती हो इस रिश्ते का मुस्तकबिल क्या होगा? देखते, अभी जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। क्वालिटी एंटरटेनमेंट YouTube पे देखना चाहते हैं तो यू मस्ट सब्सक्राइब टू आन टीवी YouTube चैनल। आन अ वेरी वेरी हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी।